पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अब अपने राज्यों में सीबीआई को किसी भी तरह की जांच से रोक दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन राज्यों में किसी भी तरह की जांच के लिए अब सीबीआई को इन राज्य सरकारों से अनुमति लेनी होगी। आंध्र प्रदेश ने इसी साल 3 अगस्त को सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कानून के तहत राज्य में जांच की इजाजत दी थी, लेकिन इस रजामंदी को आंध्र प्रदेश ने अब वापस ले लिया है। खबर है कि 8 नवंबर को इस बारे में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। आंध्र प्रदेश की राह पर चलते हुए अब पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी सीबीआई को राज्य के भीतर जांच के लिए दी गई सहमति वापस ले ली है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर शुक्रवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सीबीआई को अब से अदालत के आदेश के अलावा अन्य मामलों में किसी तरह की जांच करने के लिए इन राज्य सरकारों की अनुमति लेनी होगी। चंद्रबाबू नायडू जब से एनडीए से अलग हुए हैं, तब से वो सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं और अब ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी का भी उन्हें समर्थन इन आरोपों में मिल रहा है। और अब सीबीआई पे जिस तरह के आरोप चंद्रबाबू नायडू लगा रहे हैं, उनको इन आरोपों में ममता और कांग्रेस पार्टी का भी सहयोग मिल रहा है। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।